प्रखंड कार्यालय सिसई में आज BLBC की बैठक प्रखंड सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार एवं परेशानी को लेकर बैठक की गई, साथ ही KCC लोन उपलब्ध कराने के नाम पर अवैध राशि की वसूली को लेकर बैठक की गई। देखिए, आज सिसई प्रखंड का सभागार में बैंकर्स के साथ एक बैठक किया गया और यहाँ यही समस्या जो हम लोग सुने ग्रामीणों के द्वारा कि जो ग्रामीण लोग बैंक आते हैं उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और मतलब बहुत ही अभद्र व्यवहार भी करते हैं ऐसा सुनने को मिला। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग सभी को निर्देश दिए कि पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करना है और पब्लिक का काम को करना है। और जो KCC लोन का जो बात है, चूँकि गुमला किसान प्रधान जिला है, यहाँ लोग कृषि से आधारित अपना जीविका यापन करते हैं, तो यहाँ महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी है, तो यहाँ महिला किसान को भी पुरुष किसान को भी किसान लोन दिया जाए, KCC लोन, ताकि यहाँ के जो महिला और जो किसान दोनों अच्छी तरह से खेती बाड़ी करें, अपना जीविका अच्छी तरह से चलाएं। यही हम लोग आज यहाँ चर्चा हुई विशेष रूप से, और बैंक वाले लोग का भी यही कहना हुआ कि हम लोग अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे, पब्लिक का काम करेंगे, यही मीटिंग में बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर आप लोग भी हम लोग से सहयोग लीजिए, चूँकि हम लोग काम करने के लिए ही हैं और हम लोग काम करेंगे, तो इसलिए हम लोगों का पूरा फुल कोऑपरेट रहेगा। और चूंकि मैं पहला महिला मंडल से ही जुड़ी हुई, तो मुझे भी बहुत दर्द होता है और अभी भी मैं ग्रुप से जुड़ी हुई भी, मैं अभी भी मैं ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों का ग्रुप का खाता यूको बैंक में ही खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि चूंकि मुझे ग्रुप में अभी भी इसलिए अच्छा लगता है कि महिला कम से कम ग्रुप में छोड़ के आगे 10 साल से जनप्रतिनिधि भी नहीं करते, ये भी इस बात की भी हम साक्षी देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारी महिला दीदी लोगों का जो मनोबल बढ़ रहा है, तो JCLPS है, तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारा फंडिंग दिए महिलाओं को, मंत्री जी भी दिए थे, तो महिलाओं का भी मतलब चूंकि हम लोग गुमला जिला कृषि से आधारित, तो यहाँ के किसान लोग को भी हम बढ़ावा दें। और आपसे मेरा आग्रह होगा कि वो KCC लोन मिलता था तो कौन कितना पैसा में है सो ज़्यादा होगा इस तरह का बताते थे, तो मैं भी आग्रह करूँगी कि किसानों का सही गाइडलाइन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। चूंकि पहले देहाती धान करते थे, तो देहाती धान करते थे तो बहुत जब भी बहुत अच्छा तो आया कि जो कुर्सी नमाज जो बनता है वंशावली, तो हम कहना चाहेंगे देखिए कभी कभी जनप्रतिनिधि लोग का भी थोड़ा बहुत त्रुटि रहता है और ये बात को हम लोग को भी इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, चूँकि हम लोग को भी सही चीज को लिखना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि है कि हम कुछ भी आगे में लिख दिए किसी के साथ धोखाधड़ी करना चाहिए या समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस कुर्सी में हम बैठे हैं चाहे मेरा बाप भी हो, तो हमको जो जायज बात है जो जेन्युइन है उसको बोलना चाहिए, बोलने का कैपेसिटी होनी चाहिए हम सबों को। तो इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि इस तरह का गलत होता है, हम लोग भी जनप्रतिनिधि। आज वो सिसई प्रखंड में BLBC की बैठक की गई जो कि क्वार्टरली होती है, जिसमें मुख्य रूप से विकास का काम के लिए बैंक और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके साथ आपस में समन्वय बैठा के कामकाज किया जाता है, कहाँ परेशानी आ रही है इस पर विचार विमर्श किया जाता है और सेक्टर वाइज सारी चीज़ का रिव्यू किया जाता है जो कि आज किया गया। और जहाँ जो भी कठिनाई जिनको अपने सब सामने रखे समस्याएं, उस समस्या के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि उचित काम करें और विकास का काम बाधित हो। सर, यहाँ काफ़ी बातें सामने आई कि बहुत सारा KCC रिजेक्ट किया गया है, तो बैंक वाले ने भी अपना बातें रखी कि क्या क्या त्रुटि थी, तो त्रुटि जो है उसको निर्देश दिया गया और उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से भी अनुरोध किया गया कि उसमें त्रुटि को अतिशीघ्र सुधार कर बैंक को प्रेषित करें ताकि वो अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किया जा सके और किसान को इसका लाभ मिले, वो बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, बैंक वाले को भी निर्देश दे दिया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।